महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव गुटवारी, शिवसेना और एनसीपी संयुक्त रूप से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। मुंबई की सड़कें महाराष्ट्र अघाड़ी में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ताओं से पटी दिखाई दी और उनका नेतृत्व महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता कर रहे थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिया गया कथित बयान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, बेरोजगारी, महाराष्ट्र से फैक्ट्रियों का गुजरात जाना, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर महाविकास अघाड़ी ने ये प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र का जो सीमा विवाद है, महाराष्ट्र की जनता संतों की भूमि है, हम शांतता से अपना मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए, लेकिन कर्नाटक सरकार की तरफ से हमारे मराठी भाषी लोगों पर अन्याय हो रहा है, उसका हमारा दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, जिसे हम विधानसभा में भी उठाएंगे, लेकिन बहुत भारी मात्रा में लाख डेढ़ लाख की संख्या में यहाँ पे मोर्चा हमारा आयोजित हुआ है। सभी महाविकास अघाड़ी के और समर्थन देने वाली पार्टियों के नेतागण यहाँ थे। बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनता जो इस मोर्चा में शामिल हुई। वैसे मुंबई में जल्दी ही बीएमसी के चुनाव होने हैं, यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी के दल बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अहम बात यह है कि इस प्रदर्शन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले जैसे बड़े नेताओं ने एक साथ शामिल होकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा एकनाथ शिंदे के खिलाफ वो सब एक हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद ये पहला प्रदर्शन है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुटवारी, शिवसेना एक साथ शामिल हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल GEP News, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।